अब ये मैं नहीं करूँगा। तो फिर परलोक से नया मंत्री उतर के आएगा क्या? अरे यार तुम आप देखो, आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई नया क्वेश्चन लाया करो। एक ही क्वेश्चन बोर हो जाता है यार बंदा, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं यार। वही कहूँगा, आपकी बात और राकेश टिकैत जी की बात और बाकी जो किसान है सबकी बात, सवाल जवाब अधूरा रहता है। जवाब कोई अधूरा नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि बस आप लोग कहते हैं कि वोट बीजेपी को छोड़ के किसी और को देना। हाँ। तो देना किसको है भाई, किसी को भी दे दो, बस बीजेपी को वोट ना दो। नोटा में डाले हैं? नोटा में जिसको डालना है डाल दो, नोटा में डाल दो, किसानों के हाथ में किसको डालना है, पर बीजेपी को मत डालना। वो जो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है उसको नहीं डालना, जिसने 500 किसानों की शहीद जो हो गए उनके ऊपर 2 मिनट का मौन नहीं रखा संसद में। जो भी शहीद होता है, कोई भी नेता मरता है, भगवान ना करे कोई नेता मर जाए, ठीक है, उसके लिए मौन रखा जाता है और रखा भी गया संसद में, जो अब चल रही है इसमें रखा भी गया, मैंने खुद देखा, मैं रोज देखता हूँ, इसमें रखा भी गया है। लेकिन जो भक्त किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? जो भक्त लोग है वो आपको किसान क्यों नहीं मानते? बोलते जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसान ही नहीं है, मतलब नकली किसान है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? मवाली। हाँ, इसका मतलब नकली किसान है। हाँ, वो कहना चाहते हैं मवाली। अगर देखो हम ये होते ना मवाली खालिस्तानी जो भी कह लो तुम, ठीक है जो भी कहिए, ये जो किसान है ना, अगर ये नकली किसान होता, खालिस्तानी होता, मवाली होता, तो एक किसान भी अगर शहीद हो जाता ना तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये सारे भाग जाते, ये सारे चले जाते। अगर ये असली किसान है इसलिए यहाँ पे बैठा है, अपने हकों के लिए है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मैं पूरे किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? अंगद सिंह। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते? किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह। मैं अपनी तरह जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा कुछ भी हम लागू करेंगे तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है जो लोग शहरों में रहते हैं उनसे भी राय ली जाएगी, वोटिंग हुआ करेगी, ठीक है। 2 डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है, हर जगह जगह पे, जगह जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। सबसे पहले क्या करना चाहोगे प्रधानमंत्री? आप कर लो, पहले आप कर लो, एक करने दो। सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप प्रधानमंत्री बनकर? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले देखो किसानों के लिए जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूंगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊंगा हर जो वो होता है गांव उसके चौराहे पे। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये जो बेरोजगारी यस बेरोजगारी सिस्टम, और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है वो। देखिए यहाँ आप अभी आप खुद छात्र हैं, एक मिनट, आप खुद छात्र हैं। हाँ। लेकिन छात्र भी अपनी जॉब को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उनको जॉब नहीं लगी है। हाँ। आप आगे जाके पहले छात्र बनेंगे, प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे। हाँ। तो क्या करेंगे आप ऐसे छात्रों के लिए? छात्रों के लिए मैं करूँगा कि उनको जो चाहिए उस पर विचार करा जाए, उस पर मैंने अभी आपको बताया एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? हा? बिल्कुल। हाँ। मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ। इसलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं। देखिए अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है बीजेपी पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी। सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अंधभक्त? हाँ। अंधभक्त में
देखिए अंधभक्त मैं किसानों का हूँ और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है, जो भी मिलता है सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जी। और आप क्या पूछ रहे थे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और e-business reference लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया e-business में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300007662। हमारे व्हाट्सएप 9200003100 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष। नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए ख़रीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता अधिकारी व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए, क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष।